hello students welcome to our youtube channel step up classes this is me narind kumar and i welcome you on behalf of kerala public school today we will continue our topic finding square root of a positive number and in this series we will learn the third method to find the square root of a positive number that is division method so let's start इस मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जैसे आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा था रिपीटेड सब्सट्रेक्शन मेथड वो मेथड सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है सेकेंड मेथड जो आपने पढ़ा था प्राइम फैक्ट्राइजेशन मेथड उससे आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन उन आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एक मिक्स रेडिकल आएगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ हमारे पास कोई भी एक नंबर है ट्वेल्व और अगर आपको ट्वेल्व का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो ट्वेल्व के अगर आप देखते हैं तो ट्वेल्व एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन ट्वेल्व के फैक्टर अगर आप फाइंड आउट करेंगे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री यहाँ से टू का पेयर तो कम्प्लीट हो गया है लेकिन थ्री का पेयर कम्प्लीट नहीं हुआ है इसलिए टू के पेयर से हम एक प्राइम नंबर टू को स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं लेकिन साथ में हम जो थ्री बचा हुआ है दूसरा प्राइम फैक्टर उसको आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट में ही लिखेंगे सो आपका आंसर कितना बनता है टू रूट थ्री ये जो है ये आप स्टैंडर्ड नाइन्थ में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर आएगा अभी आप रेशनल नंबर स्टैंडर्ड एट में पढ़ते हैं इट लेकिन ये जो आपका थर्ड मैथड है जिसको हम डिवीज़न मैथड के नाम से जानते हैं इस मेथड का यूज भी आपका डेसिमल uh, uh, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में जो फ्रैक्शंस होती हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में भी इनका यूज़ किया जाता है और तो उसके बिहापे पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फ्रैक्शन और डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आज हम इस मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस मेथड में

देट इज़ फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप्स रहेगा वो क्या है कि हमारे पास बिल्कुल यूनिट डिजिट से होते हुए हम क्या करेंगे पेयर्स बनाएंगे तो so, पेयर्स देखते हैं सबसे पहले यूनिट डिजिट और टेन डिजिट का एक पेयर बन गया जिसको आप ऊपर की तरफ भी नोटिफाई uh, कर सकते हैं दूसरा जो पेयर है वो किसका बनेगा वो फिफ्टी सिक्स जो आप देख पा रहे हो जो दो डिजिट हैं और जिनमें से जो है वो प्लेस पे आया हुआ है और फाइव जो है वो थाउजेंड प्लेस पे आया हुआ है तो फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया है डिजिट फाइव एंड सिक्स का और थर्ड पेयर जो बचेगा हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ से कि वन सिर्फ बचता है तो वन के साथ में हम जीरो लगाएंगे और इसका पेयर भी क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे जैसा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप्स में बताया गया था आप ब्रैकेट में पढ़ेंगे इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज ओड अगर आप देखते हैं इस नंबर में हमारे पास कितने डिजिट हैं फाइव जो कि ओड नंबर है तो इस तरह से अगर आपके पास ये डिजिट ओड हैं तो आपको क्या करना होगा देन लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट टू विल हैव ए बार जो लास्ट में जो डिजिट आया है लेफ्ट मोस्ट पे जो डिजिट है उसको भी आपको बार से नोटिफाई करना पड़ेगा और उसके साथ में आप क्या यूज़ कर लेंगे जीरो आप यूज कर लेंगे ओके अभी सेकंड स्टेप्स को देखते हैं सेकंड स्टेप्स हमें क्या बताता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द लेफ्ट मोस्ट बार टेक दिस नंबर एज डिवाइजर एज वेल एज क्वेश्चन ओके तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है आपको एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि उसका स्क्वायर जो है उस नंबर के इक्वल हो जो कि फर्स्ट लेफ्ट से अगर आप काउंट करते हैं तो फर्स्ट पेयर में जो नंबर आया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या नंबर है जीरो वन तो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि उसका स्क्वायर जो है वो जीरो वन से या तो इक्वल हो या फिर उससे लेस रहे तो ऐसा हमारे पास क्या है एक ही नंबर है वन मल्टीप्लाई वन वन का स्क्वायर कितना होता है वन जो कि जो फर्स्ट बार दिन के ऊपर लगा हुआ है पेयर्स पे वो कौन कौन से नंबर है हमारे पास जीरो वन और ये उनके क्या है बेटा इक्वल है समझ गए अभी ये जो नंबर आया है वन उसी को हम क्या लेंगे उसको एज ए डिवाइजर भी लेंगे और एज ए क्वेश्चन भी लेंगे इट so तो यहाँ तक हमारा सेकेंड स्टेप्स कंप्लीट होता है अभी हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप्स में हमें क्या बताया गया है थर्ड स्टेप्स में है द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड द क्वेश्चन फ्रॉम द नंबर अंडर द लेफ्ट मोस्ट पार एंड गेट द रिमाइंडर आपको क्या करना है जो डिवाइजर और क्वेश्चन आपने इलेक्ट किया है जैसे यहाँ पे आपने लेट किया था कि वन हमारा क्या है डिवाइजर और वन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है आप उनका क्या करेंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना आया है वन और हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट पे जो डिजिट्स हैं हमारे पास जो पेयर हैं उनमें से हम इसको सब्सक्रेट करेंगे सो वन माइनस वन कितना आ जाएगा हमारे पास जीरो समझ गए तो रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया है अगर यहाँ पे सोचो यहाँ पे जीरो वन की जगह अगर आपके पास जीरो फाइव होता तो उसमें से आप वन सब्सक्रेट करते तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाता फोर गोटिक तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फोर में हमें बताया गया है ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट पार टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर दिस बिकम द डिविडेंट अभी आपको क्या करना है जो नेक्स्ट नंबर पे बार लगा हुआ हुआ था उस नंबर को आप ले लेंगे जैसे आपने देखो मैं फिर से बार लगा देता हूँ पहला बार लगा था ट्वेंटी फाइव पर दूसरा बार लगा था फिफ्टी सिक्स पे और तीसरा बार लगा था ज़ीरो वन पे तो जीरो वन को हम सॉल्व कर चुके हैं अभी नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है बार में वो है फिफ्टी सिक्स तो रिमाइंडर हमारा जीरो आया था तो जीरो के जस्ट राइट साइड में हम उसको लिखेंगे और ये जो नंबर आएगा आपके पास ये फिर से क्या बन जाएगा डिविडेंट इट तो हमारा डिविडेंट क्या है इस बार फिफ्टी सिक्स समझ गए बेटा अभी चलते हैं स्टेप नंबर फाइव की तरफ स्टेप नंबर फाइव में बताया गया डबल द क्वेश्चन एंड एड ए ब्लैंक ऑन द राइट ऑन इट सो टू ऑप्टेन द नेक्स्ट डिवाइजर कट इट अभी जो आपका क्वेश्चन आया था जैसे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो कितना था बेटा वन था तो वन का क्या करेंगे आप डबल करेंगे तो वन का डबल कितना आ जाएगा आपके पास टू होके आ जाएगा समझ गए या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वन प्लस वन आपने ऐड किया और टू आ गया है और यहाँ से अब आपने इसके राइट साइड में आपने एक ब्लैंक छोड़ दिया है ठीक है और इस तरह से छोड़ दिया कि हमारा जीरो तो अभी हमारे पास आ, अगर आप इसको डैश लगा के छोड़ते हैं यहाँ से ब्लैंक करके तो ये जो है आपका ये आपका क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टेप्स नंबर सिक्स गैस ए लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट इन द देशन सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ न्यू डिवाइजर एंड इट्स डिजिट यहाँ पे गौर करने वाली बात है ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो इस स्टेप्स में बताया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपने डेस्क लगाया हुआ था तो डेस्क में आपको यहाँ पे एक कोई डिजिट लिखना है और इस तरह से वो डिजिट लिखना है कि उस डिवाइज़र का क्योंकि अब डिजिट के साथ ही हमारा क्या बन गया है डिवाइज़र बन गया है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्वेंटी टू ये बन गया है इस डिवाइज़र का और जो डिजिट आपने लिया है उसका प्रोडक्ट जो है हमारे पास कितना आ रहा है हमारे पास फोर्टी फोर ये फोर्टी फोर जो आएगा ये हमारा जो डिविडेंड था फिफ्टी सिक्स उससे या तो इक्वल होना चाहिए या उससे लेस होना चाहिए समझ गए बेटा अगर आपको समझने में प्रॉब्लम्स है या फिर एक पर में समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं क्लियर तो इस तरह से मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं ये जो आपने यहां पे टू के साथ में ब्लैंक लगा के जो आपने क्या बनाया था एक डिवाइजर बनाया था इस ब्लैंक में आप एक ऐसा नंबर पुट करेंगे जो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए और इस तरह से कि सोचो अगर आपने यहाँ पे फाइव रखा होता तो ये नंबर कितना बन गया होता है? हमारा ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव का फिर आप इसी डिजिट के साथ जो आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो वो डिजिट कौन सा है फाइव है तो ट्वेंटी फाइव का अगर आप फाइव में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लेकिन वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो फिफ्टी सिक्स से ज़्यादा है तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको इस तरह से एक डिजिट सोचना है और उसको रखना है कि इस को इस डिवाइजर के साथ आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट का तो प्रोडक्ट जो है वो डिविडेंट से क्या होना चाहिए लेस या फिर उसके इक्वल होना चाहिए इट तो यहाँ पे हमारा पॉसिबल डिजिट क्या आया है टू आया है क्योंकि ये हमारा डिवाइजर बन गया है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में हम टू से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है बेटा फोर्टी फोर मैं थ्री लेके भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमने थ्री लिया होता है यहाँ पर तो थ्री करके आप क्या करेंगे ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री का फिर थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम डिजिट में मल्टीप्लाई करना है आपको जो डिजिट आप यहाँ पे पुट करेंगे उसी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डिवाइजर को तो ट्वेंटी तो थ्री का अगर थ्री में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है सिक्सटी नाइन जो कि फिफ्टी सिक्स से ग्रेटर है

समझ गए और उसके साथ में ही ये जो टू आया था इसमें अब आप टू में तो 22 में में ऐड ऐड कर दीजिए तो करके कितना मिल जाएगा 24. समझ गए इसी के साथ में देखते हैं लास्ट स्टेप है? लास स्टेप स्टेप्स आपको ये जो स्टेप नंबर थ्री से लेके स्टेप नंबर सिक्स तक जो स्टेप्स मिले हैं इनको रिपीट करना है जब तक कि आपका क्वेश्चन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बन जाता और उसके साथ में आ, आपका रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जैसे इसी में अगर हम रिपीट करना चाहें तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया था ट्वेल्व ये हो गया था ट्वेंटी फोर it अभी आप ट्वेंटी फोर के आगे एक डैश लगा के रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक डिजिट फिल करना है तो अगर हम यहाँ पे वन रखेंगे तो वन का मल्टीप्लाई करके देखो बेटा कितना आ रहा है टू हंड्रेड फोर्टी वन जो कि वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से लेस है क्योंकि आपने इस ट्वेंटी फाइव को भी तो अभी लिया है ना इट अभी इस तरह से अगर आप टू लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टू हंड्रेड फोर्टी टू और इसका अगर आप टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा टू टू जो फोर टू फोर जै एट एंड टू टू जै फोर फोर हंड्रेड एटी फोर ये भी लेस है किस से वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी से तो इस तरह से हम अब क्या लेके जाएंगे अगर हम देखते हैं कि अगर हम फाइव यूज करें तो हमें कितना मिलेगा तो ये है आपके पास टू हंड्रेड फोर्टी फाइव और इसमें आप फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा फाइव फाइव जे ट्वेंटी फाइव आपके पास कैरी कितना टू फाइव फोर जे ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू कैरी टू हुआ टू जे टेन प्लस टू ट्वेल्व जो कि आपका जो डिविडेंड था उसके इक्वल है गॉट इट तो इसलिए अब आप यहाँ कौन सा डिजिट एक्सेप्ट है हमारे पास जो एक्सेप्टेबल डिजिट है वो है फाइव सो so, इस तरह से आप देखो रिमाइंडर जीरो हो गया और जैसे ही रिमाइंडर जीरो हुआ तब हमें पता चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है वन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड सॉरी फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव का स्कवायर रोट है Got it, ड्रेंड so वन को हम लिख कर पेयर हम इसमें बनाएंगे बार हम ड्रॉ करेंगे और वह कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम यूनिट प्लेस की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला जो बार बनेगा वो जीरो वन पर बन जाएगा और दूसरा बार जो आएगा वो किस पर आएगा नाइन और एट पर आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से दो बार हमारे कंप्लीट हो गए इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो नाइन्टी एट से या तो इक्वल लेस हो या फिर उसके इक्वल हो तो हमारे पास ऐसा नंबर कौन सा मिलता है नाइन इट क्योंकि नाइन नाइन जहाँ कितना होता है हमारे पास एटी वन सबसेट करेंगे एटी वन को कितना आ जाएगा बेटा नाइन्टी एट माइनस एटी वन आपके पास आ जाएगा सेवनटीन इट और नाइन प्लस नाइन क्योंकि आपने स्टेप्स में पढ़ा था कि इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास एटीन अभी यहाँ से जो नेक्स्ट पेयर आपके पास क्योंकि ये रिमाइंडर आया है रिमाइंडर के जस्ट बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर होगा उसको हम राइट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास राइट करने के बाद बन जाएगा वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड वन जो कि नया क्या बन गया हमारे पास ये न्यू डिविडेंट है और यहाँ पे अब आपको ऐसे इसी तरह से नंबर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमने डेस्क लगा लिया तो अभी आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जो नंबर हमारे पास यहाँ पे बनेगा उसका प्रोडक्ट उस डिजिट के साथ सेवन हंड्रेड वन से या तो इक्वल होना चाहिए या इसके लेस होना चाहिए तो अगर आप वन देखते हैं तो ये नंबर बनेगा वन हंड्रेड एटी वन वन का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा वन हंड्रेड एटी वन लेस है तो इसी तरह से बचे आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा वो कौन सा आएगा नाइन मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको कि 189 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो वन सेवन जीरो वन के इक्वल आता है नहीं आता है अगर वन सेवन जीरो वन के इक्वल आएगा तो इसमें से सब्सक्रिक्ट होकर हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा और आंसर हमारा क्या बन जाएगा नाइनटी नाइन तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ वन हंड्रेड एटी नाइन का नाइन नाइन में सो तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे नाइन नाइन जो होता है हमारे पास एटी वन कैरी कितना होगा बेटा एट नाइन एट जो होता है आपके पास सेवनटी टू सेवनटी टू प्लस एट कितना हो जाएगा आपके पास एटी कैरी कितना होगा आपके पास एट नाइन वन जो नाइन नाइन प्लस एट कितना हो जाएगा आपके पास सेवनटीन इट सो प्रोडक्ट ऑफ वन हंड्रेड एटी नाइन एंड नाइन दैट इज इक्वल टू सेवेंटीन हंड्रेड वन तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड वन का स्क्वायर रूट जो है वो कितना है नाइन्टी नाइन इट अभी आप इसको इमेज के थ्रू भी यहाँ पे देख सकते हो ये नाइन्टी नाइन आपका आंसर आया है स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड वन बाई यूजिंग डिविजन मेथड समझ गए बेटा अभी आप स्क्रीन पे कुछ नंबर्स देख पा रहे हैं ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं आप इनको सॉल्व कीजिए फाइव क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है यूजिंग डिवीजन मेथड इनमें से फर्स्ट नंबर जो है वो है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा आपके पास फिफ्टी समझ गए बेटा नेक्स्ट जो है आपके पास वो है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी फोर और इसका आंसर जो होगा वो होगा आपके पास सिक्सटी टू थर्ड क्वेश्चन इलेवन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव का जो आंसर होगा वो होगा वन हंड्रेड एंड फाइव फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके पास वो है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटीन और वन हंड्रेड फिफ्टी फोर लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स और इसका आंसर होगा वन हंड्रेंड फोर्टीन गॉड यू बेटा तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा ठीक है और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट फ्रैक्शन और डेसिमल का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं Got it, So thank you so much. Stay safe. Stay home. Bye bye.